खबर पौड़ी से आ रही है, जहां श्रीनगर के संयुक्त उपजिला अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ पिछले 6 महीने से छुट्टी पर हैं। ऐसे में इलाज के लिए अस्पताल पहुंच रही महिलाओं की परेशानी बढ़ती जा रही है। खासकर गर्भवती महिलाओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल अस्पताल में फिलहाल 2 डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है, लेकिन इनमें से 1 महिला डॉक्टर छुट्टी पर है, जबकि दूसरी डॉक्टर ने अभी तक अस्पताल ज्वाइन ही नहीं किया है, जिसका खामियाजा महिला मरीजों को उठाना पड़ रहा है। वहीं श्रीनगर के 20 अस्पताल पर पहले ही 4 जिलों के मरीज का बोझ है, इसलिए ज़्यादातर महिलाओं का इलाज के लिए देहरादून और ऋषिकेश भागना पड़ रहा है। वहीं संयुक्त उपजिला अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर गोविंद पुजारी ने बताया कि गर्भवती महिलाएं ओपीडी में आ रही हैं, सामान्य प्रसव भी हो रहे हैं, लेकिन अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी नहीं हो पा रही है। ऐसे में मरीजों को अन्यत्र जाना पड़ रहा है। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। श्रीनगर में इतना बड़ा हॉस्पिटल बना हुआ है और वहाँ पर अभी तक जो है कोई महिला डॉक्टर नहीं है। ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात भी है, क्योंकि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो यहीं के हैं और उनके होते हुए भी श्रीनगर में हमें व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। जबकि पौड़ी हो, श्रीनगर हो, या अगल बगल के कोई गांव हो, या रुद्रप्रयाग साइड हो, टिहरी हो, सब लोगों का आना जाना श्रीनगर हॉस्पिटल में है। और वहाँ आके महिलाएँ, चाहे डिलीवरी केस हो या छोटी मोटी कोई भी बीमारी हो, उसके लिए उन महिलाओं को फिर वहाँ से रेफर कर दिया जाता है देहरादून के लिए। ये हम उत्तराखंडियों के लिए बड़ी ही शर्म की बात है। पेशेंट तो हमारे पास ओपीडी में आ रहे हैं और हमारे एमओ जो है वो तो देख रहे हैं, लेकिन बात यह है कि लोग चाहते हैं कि कई डिलीवरी होने पर, कई ऑपरेशन होने वाली बात है, तो उसमें लोग यहाँ से अन्यत्र चले जाते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट की अभी हमारे वहाँ पोस्टिंग हुई है अभी, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, जबकि उसके साथ में जो पैथोलॉजिस्ट थे सीएम ऑफिस वो आके ज्वाइन करके चले गए, ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन गायनेकोलॉजिस्ट ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। इस तो उसकी एक जो हमारी परमानेंट गायनेकोलॉजिस्ट थी वो पिछले 6 महीने से अब्सेंट ही चल रही है, और उन्होंने कि बिना वेतन के मुझे छुट्टी दीजिए आज, उसके लिए भी अप्लाई किया था, लेकिन वो तो हमने उसके जो एप्लीकेशन है उसको डीजी ऑफिस में फॉरवर्ड कर दिया है, और एक का भी जो पीजी करके आई है उसका अपॉइंटमेंट यहाँ के लिए हुआ है, लेकिन अभी तक उसने ज्वाइन नहीं किया है।